रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 19 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी के पक्ष में हार या जीत का फैसला नहीं हो पाया है। इस जंग में रूस अब नई रणनीति के साथ लड़ रहा है। रूस अच्छे से जानता है कि यूक्रेन को नेटो देशों से हथियार, गोला बारूद मिल रहा है, जिसकी बदौलत यूक्रेन जंग में टिका हुआ है, और यही कारण है कि अब रूस यूक्रेन के इन्हीं हथियारों को नष्ट कर रहा है। रूस इस जंग में अब यूक्रेन को कमजोर करने के लिए इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इसी कड़ी में युद्ध से जुड़ी रोमानिया जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगातार रोमानिया क्षेत्र में जहाजों के जीपीएस संचार को जाम कर रहा है, जिससे टकराव का खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध के रोमानिया तक फैलने की आशंका के साथ काला सागर में तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जब से रूस अनाज डील से बाहर हुआ है तब से यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। दरअसल मॉस्को ने चेतावनी दी थी कि वह काला सागर में अनाज ले जाने वाले नागरिक जहाजों को टारगेट बनाएगा। रूस के अनाज समझौते से बाहर होने के बाद यूक्रेन और रोमानिया ने कीव के अनाज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर आपसी सहमति बनाई, क्योंकि मॉस्को जहाजों के सुरक्षित मार्ग का विरोध कर रहा था, जिससे खाद्य संकट का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि रोमानिया के सैन्य प्रमुख ने इस बारे में कोई साफ बात नहीं किया कि रूस अपने क्षेत्र में रोमानिया के जहाजों को क्यों जाम कर रहा है। रूस के साथ टकराव और तनाव का हवाला देते हुए सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि रोमानिया और नाटो को रूसी संघ के साथ एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कड़ी में यूरो अटलांटिक रेजिलियंस फोरम में जनरल पेस्ट्रुकू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हम इस टकराव को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, खासकर नाटो के पूर्वी हिस्से में और काला सागर के उस क्षेत्र में जहां से वो आते हैं। यूक्रेन में रूसी संघ के युद्ध ने मूल रूप से काला सागर क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है और तटीय देशों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिसका असर सुरक्षा माहौल पर पड़ा है। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी चेतावनी दी थी कि रूस ने काला सागर के बंदरगाहों तक समुद्री माइंस बिछा दी हैं, जिससे यूक्रेनी अनाज निर्यात में बाधा आ सकती है। रूस की इस युद्ध नीति से ये बात तो साफ है कि पुतिन पश्चिमी देशों से, नाटो या अमेरिका से सीधे नहीं भिड़ना चाहते हैं। वे जंग में अब यूक्रेन की उस कड़ी पर हमला कर रहे हैं जिससे वह युद्ध में अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर यूक्रेन के पास बाहरी मदद से हथियार, अनाज, गोला बारूद मिलता रहेगा तो शायद ही ये युद्ध कभी निर्णायक मोड़ पर पहुंच पाए।